हेलो एवरीवन सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 so, तो ऑलरेडी हमने कॉन्ट्रैक्ट तो स्टार्ट कर लिया है लेक्चर नंबर वन आपने ध्यान से सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट है और तीन मॉड्यूल्स आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे रिलेट करने वाले हैं सो लेक्चर नंबर सेकेंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे और और चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे बिकॉज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि Uh, business law is a subject which is very technical you need to learn you need to understand the concepts you need to revise it from the starting only otherwise it will create problem in your examination so do not study this subject at the time of examination start studying from the starting if you study from the starting it will be helpful for you to revise the concepts and if you revise the concepts properly देन दिस सब्जेक्ट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन अदरवाइज जो लास्ट मोमेंट में पढ़ने वाले वो अननेसेसरी ट्रबल क्रिएट करेंगे खुद के लिए तो ध्यान रखना अभी हम थोड़े से और कंसेप्ट पढ़ेंगे एग्रीमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट टाइम डिस्कस करवाया है तो थोड़ा सा इसका एक बाइफर पढ़ लेते हैं कि एग्रीमेंट जो सेक्शन है सेक्शन टू ई के अंदर डिफाइन किया गया है और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है बिकॉज जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा वहाँ पे एग्रीमेंट आएगा बिकॉज एक एग्रीमेंट जब एनफोर्सिबिलिटी होती है लॉ की तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो आपको ध्यान रखना है देखो द, दोनों मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो इफ यू सी एग्रीमेंट एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर इच अदर इज एन एग्रीमेंट अगर मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया देखो एग्रीमेंट के पहले प्रपोजल होता है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है तो अगर मैं आपको कुछ प्रॉमिस करूं कि आप मुझे गुड्स बेचो मैं आपको इतने पैसे दूंगा और आप अगर आपके गुड्स मुझे बेचना चाहते हो आप म्यूचुअली एग्रीड हो तो आप मुझे अपने गुड्स बेचोगे एंड आई एम गोइंग टू पे यू सम मॉनिटरी कंसिडरेशन मतलब पैसे दूंगा अगर दोनों की दोनों पार्टी आपस में म्यूचुअली एग्रीड है दरा धमका के एग्रीमेंट नहीं होता वो कोयरशन का कंसेप्ट है मैं आगे डिस्कस करवाऊंगा सो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट अभी मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया कि आप मुझे गुड्स बेचोगे तो मुझे गुड्स मिलेंगे आपको आपके गुड्स के बदले में कुछ मिलना चाहिए एंड दैट इज़ कॉल्ड एस मॉनिटरी कंसिडरेशन वो पैसे होते हैं तो जो पैसे आप मुझे दोगे उससे बेसिकली मैं आपको पैसे दूंगा आप मुझे गुड्स देंगे तो आपको पैसे मिल गए मुझे गुड्स मिल गए मतलब दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हो गई लेकिन ये दोनों के दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्रीड होंगे तो उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं जो so, एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉमिस ठीक है और कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन टू सेक्शन एच कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है और वो एग्रीमेंट जो है वो उसका एनफोर्सिबिलिटी लॉ के बेसिस पे होना चाहिए मतलब मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मैंने आपके साथ एग्रीमेंट कर दिया लेकिन वो एग्रीमेंट लॉ के बेसिस पे एग्रीड ही नहीं है समझो आप एक माइनर हो आप सिक्सटीन आप ईयर्स के हो और मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ और आपको मैंने फंसा दिया और उसके बेसिस पे आपके गुड्स मैंने ले लिए तो ये जो एग्रीमेंट है वर्ल्ड एग्रीमेंट माना जाएगा बिकॉज माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता इसलिए एग्रीमेंट जो होगा उसको अगर लॉ की परमिशन है कोर्ट ऑफ लॉ की परमिशन है एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे सो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है अनलेस एन एंटिल यू हैव एन एग्रीमेंट यू कैन नॉट फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस करेंगे एक दूसरे पार्टी को और उसके बेसिस पे दोनों पार्टी अगर म्यूचुअली एग्रीड होंगे तो उसे हम एग्रीमेंट बोलेंगे तो एग्रीमेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन टू ई एंड कॉन्ट्रैक्ट इज कवर्ड अंडर सेक्शन टू एच ठीक है सेकेंड पॉइंट में जाते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट एंड एग्रीमेंट मैंने आपको ऑफर दिया और आपने वो ऑफर एक्सेप्ट किया मैंने आपको बोला कि आई विल पे यू टेन थाउजेंड यू सेल मी योर गुड्स तो मैंने आपको क्या किया मैंने आपको ऑफर दिया है कि टेन थाउजेंड में मैं आपके गुड्स को परचेस करूंगा और आपने सोचा कि टेन थाउजेंड में परचेज कर रहा है अच्छी बात है ये लो गुड्स आपके दस हजार मेरे तो आप मैंने आपको ऑफर दिया और आपने वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया म्यूचुअल बेसिस पे एक्सेप्टेंस जरूरी है मैंने आपको धमकाया कि गुड्स बेचो आप बोले मैं नहीं बेचना चाहता हूं तो मैंने एक मैंने रिवॉल्वर रखा आपके गन रिवॉल्वर रखा आपके सर के ऊपर और बोला कि ये गुड्स मुझे चाहिए तो आपने बोला मैं बेचना नहीं चाहता हूँ तो मैं, मैंने बोला अगर नहीं बेचेंगे तो मैं गोली मार दूंगा तो फिर आपने जबरदस्ती बेच दिया तो ऐसे एग्रीमेंट को वर्ल्ड एग्रीमेंट माना जाएगा दैट इज कोयरशन का कंसेप्ट कोयर्शन है किसी को फंसाया अनड्यू इन्फ्लुएंस है मिसरीप्रजेंटेशन है फ्रॉड है ये सारी चीज़ें हम आगे एक एक करके डिस्कस कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन याद रखना एन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी नंबर वन एग्रीमेंट होना चाहिए नंबर सेकेंड एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए एग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पॉइंट में जाते इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एग्रीमेंट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता बिकॉज एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज आपस में एग्री होती है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन होता है बिकॉज एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ आ गया है जहाँ लॉ आ चुका है जहाँ कायदा आ चुका है बेसिकली वहाँ पे एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ है इसलिए वो लीगल ऑब्लिगेशन बनता है मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट रहा तो केस हो सकता है एग्रीमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट एग्रीमेंट जो है वो वाइडर कंसेप्ट है बिकॉज ऑफर होगा फिर एक्सेप्टेंस होगा तो म्यूचुअली एग्रीमेंट होगा तो दैट इज कॉल्ड एज इट इज अ वाइडर कंसेप्ट ओनली सम्रीमेंट्स फॉर्म इन टू अंट्रैक्ट ध्यान रखना अभी मैं जो एक सेंटेंस बोलने वाला हूं जो भी एग्रीमेंट होंगे वो वाइडर कंसेप्ट है लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन, बनेंगे सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते कुछ ही अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे और ऐसे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जिसको एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ हुआ है आप बोलेंगे सर आप बार 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 एक ही चीज़ बोल रहे हो एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ अरे सर लेकिन ये एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ होता क्या है देखो एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ मतलब क्या है कि लॉ के बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है लॉ के बेसिस पे वो एग्रीमेंट वैलिड है मतलब किसी को हमने फंसाया नहीं किसी को हम किसी किसी के साथ हमने मिसरिप्रेजेंटेशन uh, नहीं किया या किसी के साथ हमने कुछ फ्रॉड नहीं किया और लॉ ने भी परमिशन दी कि यह एग्रीमेंट बराबर है तो ऐसे एग्रीमेंट को ही हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे नेक्स्ट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं तो ये तो बहुत कंफ्यूजिंग सेंटेंस बोल रहे हो आप इसका मतलब क्या है देखो सारे के सारे एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते बिकॉज एग्रीमेंट बना इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि लॉ का एनफोर्सिबिलिटी है एक माइनर के साथ मैंने एग्रीमेंट कर लिया तो एग्रीमेंट तो बन गया लेकिन लॉ बोलेगा अरे माइनर के साथ तो एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते तो हो गया ना वर्ल्ड एग्रीमेंट इसलिए ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो एग्रीमेंट तो होने ही वाला है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट आएगा तो आपको ध्यान रखना है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स आई होप की दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में जाते हैं काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आगे बढ़ते अभी सबसे पहला पॉइंट है वार्डेबल कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ देखो वार्डल वॉर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट इज विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज वार्डेबल कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब क्या है देखो ये वर्डिंग जितना पढ़ोगे उतना कन्फ्यूज हो जाएगा दोनों के दोनों पार्टी एग्री हुए दोनों के दोनों पार्टी एग्री हुए लेकिन वो एग्री होने के बाद वो एग्रीमेंट बन गया एग्रीमेंट होने के बाद जब लॉ ने इन्फोर्सिबिलिटी के पॉइंट देखा कि ये एग्रीमेंट जो है ये तो एग्रीमेंट बराबर नहीं है जैसे मैंने आपको कुछ अभी एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसे पॉइंट जो हमने किसी माइनर के साथ किए हैं ठीक है थीके? ऐसे पॉइंट्स जो हमने किसी क्या किए माइनर के साथ किए मैंने आप मैंने आपको फंसा दिया और फंसा के मैंने आपसे आपके गुड्स ले लिए जब भी मैंने आपको बताया तब आपने बोला ठीक है बराबर है सब कुछ परफेक्ट लेकिन बाद में आपको पता चला कि अरे सर ने तो हमको फंसा दिया है तो ऐसे केस में लॉ क्या करेगा ऐसे केस में लॉ उसको वॉर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट मानेगा तो वॉर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट इज दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो एक बार हो तो चुका है लेकिन उसके बाद पता चला कि देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लॉ इन दैट ओके अगले पॉइंट में जाते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकेंगे कब अभी क्या बताया ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट लेकिन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे नंबर पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो पार्टीज आप और मैं अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मैं भी माइनर नहीं होना चाहिए आप भी माइनर नहीं होने चाहिए और दोनों के बीच में कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए या दरा धमका के मैंने आपके साथ कोई भी एग्रीमेंट को साइन नहीं करवाना चाहिए तो ऐसे केस में नंबर वन जो तो भी पार्टीज होंगे दोनों के दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट है एक लुनेटिक पर्सन है ड्रंकर है दारू पिया था उसने बहुत ज्यादा और उसके बेसिस पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया वो जब वो उसको जब उसने दारू पिया था तब उसके बेसिस पे उसने बोला कि यारे कॉन्ट्रैक्ट बराबर है और जब वो एक्चुअल नॉर्मल सिचुएशन में आया तब उसने सोचा अरे इसने तो मेरे को फंसा दिया तो ऐसे केस में वो वार्डेबल एग्रीमेंट या वार्डेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा तो पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मर्ट एक्सरसाइज फ्री कंसेंट फ्री कंसेंट होना जरूरी है मतलब मैंने आपको बोला ना अभी कि दरा धमका के अगर किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसको फ्री कंसेंट नहीं बोला जाएगा वी विल कवर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर लेकिन ये सारी चीज़ें वहां पे भी कवर होंगी इट मस्ट बी फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड अ लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और आपका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए फ्री कंसेंट होना चाहिए सामने वाले के साथ आप कोई भी फ्रॉड नहीं करोगे ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वर्ल्ड एग्रीमेंट जो होगा वो वर्ल्ड अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए मतलब आप प्रॉपरली लॉ ने जैसे परमिशन दिए है उसी के बेसिस पे आप एग्रीमेंट करने जरूरी है इफ यू डू समथिंग विच इज अगेंस्ट द लॉ तो उसको हम फिर वर्ल्ड एग्रीमेंट मान पाएंगे वर्ल्ड मतलब कैंसिल हो जाएगा ठीक है वर्ल्ड वर्ल्ड बार बार वर्ड आ रहा है ध्यान से अगला पॉइंट है वर्ल्ड एग्रीमेंट तो वर्ल्ड एग्रीमेंट के बारे में मैंने अभी आपको बताया वर्ल्ड एग्रीमेंट क्या होता है अग्रीमेंट एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेट टू बी वॉइड मतलब ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल मतलब लॉ ऐसे एग्रीमेंट को मानता ही नहीं है वो वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो लॉ मानेगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा लेकिन अगर लॉ ऐसी चीज को मानता नहीं होगा तो उसको हम वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे फिर आएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल देखो अभी ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग करेगा देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है जैसे हमने किसी कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट किया एक एग्जांपल लेते हैं हमने किसी कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट किया लेकिन जब गुड्स इंपोर्ट हुए तब सडन वॉर सिचुएशन इमर्ज हुए मतलब वो दोनों देशों के बीच में झगड़े हो गए वॉर हो गया अभी ऐसे केस में देखो मतलब कंसि कंसिडरेशन तो होने वाला था ये कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट होने वाला था लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गया कि दोनों देशों के बीच में वॉर सिचुएशन अराइज़ हुई अगर वॉर सिचुएशन अराइज़ हुई तो जानबूझ के कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है लेकिन वॉर सिचुएशन की वजह से ये अभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ये ध्यान रखना एग्जांपल से समझना थोड़ा सा इजी है मतलब दोनों देश आपस में डीलिंग करने वाले थे लेकिन वॉर सिचुएशन की वजह से ही वो वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज अभी हम वहाँ से गुड्स को इम्पोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज वहाँ से अभी गुड्स इंडिया में आ नहीं पाएंगी दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट इज इलिगल एग्रीमेंट देखो इ लीगल एग्रीमेंट मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है उसमें कुछ क्रिमिनल uh, मतलब पॉइंट इन्वॉल्व है लॉ के अगेंस्ट में हमने कुछ एक्टिविटीज़ किए हैं तो ऐसी सारी चीज़ों को इ लीगल एग्रीमेंट माना जाएगा अन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट अन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच नॉट बी एनफोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट ऐसे कुछ टेक्निकल डिफिक डिफेक्ट है उसमें तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ये मैंने एक पॉइंट डाला है यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं आगे पढ़ते हैं अब ध्यान से एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस वेन द ऑफर और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिसेज मेड इन वर्ड्स ध्यान रखना अगर वर्ड्स में कोई भी ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ है तो उसे हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे आई रिपीट अगेन अगर ऑफर या एक्सेप्टेंस वर्ड्स में हुआ है तो उसे हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे ठीक है उसका ही ऑपोजिट है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वर्ड्स में नहीं हुआ है वेन द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स द प्रोमिस सेट टू बी इम्प्लाइड मतलब इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट अभी ध्यान से समझना एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है अगर मैं आपको गुड्स बेचूंगा तो मैं आपके बेसिस पे एग्रीमेंट बनाऊंगा तो एग्रीमेंट बनाएगा कि ये गुड्स इसको बेचा जाएगा और वो पर्सन इतना मुझे पैसे देगा ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो देखो आप ट्रेन में जाते हो रेलवे टिकट लेते हो रेलवे वाला आपको लिख के देता है कुछ कि आप ये ट्रेन में सफ़र कर सकते हो इसके बदले में आपने मुझे इतने पैसे दिए और उसके बदले में आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर सकते तो वो वहाँ पे वर्ड्स का कुछ सवाल ही नहीं है आप जाते हो और टिकट लेते हो टिकट लेके आप ट्रेन में बैठ जाते हो सिमिलरली बस का भी एग्जांपल है या फिर आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद आप ऑर्डर देते हो ऑर्डर देने के बाद आपको आपका खाना मिलता है खाना खाते हो फिर उसका बिल दे देते हो ये सारे एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ओके मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपरली लॉ फॉलो होता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, वर्ड्स के बेसिस पे होता है मतलब सब कुछ लिखा जाता है और उसके बेसिस पे होता है दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड नेक्स्ट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लॉ के बेसिस पे परमिशन मिला है ठीक है ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी एक एग्जाम्पल लेते तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा एक ट्रेडमैन है जो तो ट्रेड तो करता है उसको गुड्स डिलीवर करना था ए के घर पे उसको गुड्स कहां डिलीवर करना था ए के घर पे लेकिन बाई मिस्टेक उसने बी के घर पे गुड्स को डिलीवर कर दिया ठीक है बाय मिस्टेक क्या कर दिया उसने बी के घर पे गुड्स डिलीवर कर दिया और बी ने बोला भी नहीं कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया था और बी ने वो गुड्स कंज्यूम कर दिए बी ने क्या कर दिए गुड्स कंज्यूम कर दिए अभी ए आया ए बोला कि अरे मेरे गुड्स किधर है तो वो रेडमैन बोलता है कि मैंने तो गुड्स डिलीवर कर दिए तो अभी गुड्स डिलीवर किसके पास हुए बी के और बी के पास और बी के पास गुड्स डिलीवर होने के बाद बी ने कुछ बोला भी नहीं और गुड्स को कंज्यूम कर दिया तो ऐसे केस में अगर ये केस कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट क्या करेगा कोर्ट बी को बोलेगा कि आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था फिर भी यू आर लायबल टू पे ना वाई यू आर लायबल टू पे बिकॉज जब गुड्स आपको गलती से डिलीवर हुए तो आपने गुड्स कंज्यूम कर दिए आपने गुड्स अगर कंज्यूम नहीं किए होते और आपने बोला होता कि मैंने ऐसा ऑर्डर दिया ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन आपने गुड्स कंज्यूम कर दिए तो आप लाएबल हो तो ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इम्प्लाइड है जहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हुआ नहीं है फिर भी कोर्ट ऑफ लॉ कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ठीक है आगे बढ़ते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड देखो एक होता है एग्जीक्यूटेड और एक होता है एग्जीक्यूटरी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी हो चुका है एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस मैंने मैंने आपको goods बेचे, मैंने आपको गुड्स गुड्स बेचे बेच दिए आपने मुझे पैसे दे दिए मेरे पास पैसे आ गए आपके पास गुड्स आ गए तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और नंबर टेन इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी में क्या होता है कि मैंने आपको गुड्स बेचने का प्रॉमिस किया और आपने मुझे उसके बदले में पैसे देने का प्रॉमिस किया ये अभी तक हुआ नहीं उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटरी मतलब मैंने प्रॉमिस किया है आपको कि मैं आपको गुड्स बेचूंगा आपने भी मुझे प्रॉमिस किया है मैं आपके गुड्स के बदले में इतने पैसे दूंगा तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या होता है कि वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन विच बोथ पार्टीज हैव येट टू परफॉर्म ओके एट सीट वी हैव कवर्ड अबाउट द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन टूडेज लेक्चर आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई है तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक करना इंपॉर्टेंट है और आपको अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में कमेंट आप कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस से नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर